झारखंड में 108 एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि शहर के अलावा दूर दराज रहने वाले लोगों को इमरजेंसी में तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। यह योजना सही तरीके से चल भी रही है और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने सुविधा का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है। दांत और पेट में दर्द होने पर भी एम्बुलेंस को बुला ले रहे हैं, जिससे कि टाइम की बर्बादी हो रही है। वही सही समय पर लोगों को फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा। 108 हेल्पलाइन नंबर पर हर दिन 3-4 हज़ार कॉल्स आते हैं, जिसमें 10% कॉल ही ज़रूरी होते हैं। कॉल सेंटर इंचार्ज की माने तो उन्हें भी इन फेक कॉल से काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि फेक कॉल के कारण फोन लाइन बिजी रहता है। ऐसे में जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है वो इसका लाभ नहीं ले पाते। हालांकि फेक कॉल करने वालों पर शिकंजा कसने की बात कई बार हुई। वहीं लोगों के लिए ये मैसेज भी दिया गया कि वे ऐसा ना करें। इसके बाद भी फेक कॉल्स पर रोक नहीं लग पा रही है। हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद मरीज घर चले जाते हैं। इसके बाद वे घर से ही 108 नंबर डायल कर डॉक्टर से फॉलोअप करने की बात कहते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि 108 नंबर केवल एम्बुलेंस सर्विस के लिए है। इस चक्कर में भी कॉल सेंटर वालों को काफ़ी परेशानी होती है। कई बार तो इमरजेंसी वालों को भी एम्बुलेंस की सुविधा टाइम से नहीं मिल पाती।